नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस टाइप के जो बल्ब होते हैं, 100 वाट या 200 वाट के जो बल्ब होते हैं, ये बल्ब बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं यानी फ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है, जो बार बार ख़राब होने की समस्या होती है, वो समस्या अब से नहीं होगी। तो इस बल्ब के होल्डर में दो कंपोनेंट आपको लगाना है और ये दो कंपोनेंट लगा लेते हैं तो ये बल्ब जल्दी से ख़राब नहीं होगा, ये सालों साल तक चलने वाली है। तो आप इस सर्किट को किसी भी प्रकार के होल्डर में आप सेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार के जो होल्डर आते हैं, वो इस होल्डर में भी इस सर्किट को बहुत ही आसानी से फिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दीवार पर लगने वाला जो होल्डर होता है, इस होल्डर में भी इस सर्किट को बहुत ही आसानी से आप फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 वाट बल्ब को जब जलाते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे इस होल्डर में अभी कोई सर्किट लगा हुआ नहीं है, इस बल्ब को डायरेक्ट लगाते हैं होल्डर पर, तो देख सकते हैं जो इसके ब्राइटनेस होती है ये बहुत ही तेज़ होते हैं, जिसके कारण से ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते। वहीं पर 200 वाट की बल्ब होल्डर पर लगाते तो देख सकते हैं इसकी भी ब्राइटनेस बहुत ही तेज़ होती है, जिसके कारण से ये भी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते। तो अब इस सर्किट को कैसे बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इस टाइप के सर्किट बनाने के लिए यहाँ पर दो डायोड लेना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 एम्पियर का दो डायोड हमने ले लिया है, देख सकते हैं 6 एम्पियर का दो डायोड लेना पड़ेगा। और यहाँ पे इस डायोड में देख सकते हैं एक सिल्वर कलर की पट्टी होती है और एक साइड पूरी तरीके से ब्लैक होती है। जो सिल्वर कलर की पट्टी होती है ये हमारी कैथोड होती है और ब्लैक साइड एनोड होता है। अब इसको कनेक्शन कैसे करना है, दोनों डायोड को कैसे लगाएंगे इस होल्डर में ताकि ये बल्ब हमारा जल्दी से ख़राब ना हो। तो इस डायोड को अगर उल्टा लगाते हैं तो ये जो बल्ब है ग्लो नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस डायोड को कैसे लगाते हैं। तो डायोड की जो सिल्वर कलर की पट्टी है ये हमें होल्डर के एक पिन पर लगा लेना है इस प्रकार से। तो देख सकते हैं सिल्वर कलर की पट्टी को हमने होल्डर के एक पिन पर यहाँ पे लगा लिया है। अब इसकी जो स्क्रू है वो हम यहाँ अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, इसको पूरी तरीके से टाइट करना है, नहीं तो स्पार्किंग होने के कारण से ये सर्किट वर्क नहीं कर पाएगा या ये डायोड हमारी ख़राब हो सकती है। पूरी तरीके से इस बोल्ट को कस लेना है आपको। तो देख सकते हैं हमने एक डायोड को यहाँ पे लगा लिया है, जो सिल्वर कलर की पट्टी है ये हमने इस होल्डर के एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दूसरी डायोड लेना है। अब दूसरी डायोड को कैसे कनेक्ट करना है, यहाँ पर देख सकते हैं जो एनोड साइड है जो पूरी तरीके से ब्लैक है, उसको हमें होल्डर के दूसरे वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं डायोड के जो ब्लैक साइड है वो हम कनेक्ट कर रहे हैं होल्डर के दूसरे पिन पर कुछ इस प्रकार से। इसको भी पूरी तरीके से फुल टाइट कर लेना है। तो देख सकते हैं हमने दोनों डायोड को यहाँ पे अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है और इसको देख सकते हैं जो सिल्वर कलर की पट्टी होती है ये हमने होल्डर के एक पिन पर कनेक्ट किया है और दूसरे पिन पर डायोड की जो ब्लैक पट्टी होती है वो हमने कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर जो आउटपुट में हमें कनेक्ट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डायोड की ब्लैक साइड पट्टी होती है उसमें हमें एसी की वायर को जोड़ना है और इधर दूसरे डायोड में देख सकते हैं यहाँ पे कैथोड की और हमें एसी की दूसरी वायर को जोड़ना है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से एसी की वायर को जोड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने कुछ इतना लंबा वायर लिया है, आप अपने सुविधा अनुसार वायर की लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे वायर को इस प्रकार से अगर जोड़ते हैं तो ये बार बार निकलने की संभावना बनी रहेगी, तो इसके लिए यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं, ये पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्डरिंग कर देते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने एसी की दोनों वायर को अच्छे तरीके से सोल्ड कर लिया है, वायर को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पास कर लिया है, चूँकि होल्डर को यहाँ नीचे रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये होल्डर में फिट हो जाती है। ये जो डायोड है, ये डायोड बहुत ही आसानी से यहाँ पे बैठ जाते हैं। उसके बाद चलिए इस बल्ब को होल्डर पर लगाते हैं और देखते हैं कि डायोड को लगाने के बाद ये बल्ब कैसा काम करता है, कैसे जलता है। तो चलिए प्लग को लगा लेते हैं बोर्ड में, डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी में लगा लेना है। उसके बाद बल्ब को आप लगाएंगे होल्डर में, तो देख सकते हैं इसकी जो ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस यहाँ पे कम हो चुकी है। पहले हमने आपको बल्ब को जला के दिखाया था ऐसे ही बिना इस डायोड को लगाए हुए, उस टाइम जो बल्ब की ब्राइटनेस थी ये बहुत ही अधिक थी, जिसके कारण से बार बार ख़राब होने की समस्या होती थी। और यहाँ डायोड को लगाने के बाद ये जो बल्ब की जो ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस हमारी यहाँ पे कुछ कम हो चुकी है। तो इस प्रकार से 200 वाट बल्ब को भी बहुत ही आसानी से आप इस होल्डर पर जला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमने 100 वाट का बल्ब लगाया है, यहाँ पर 100 वाट के बल्ब में भी इसके जो ब्राइटनेस है ये हमारी कम हो चुकी है। तो इस प्रकार से चलाने से ये जो बल्ब है ये बहुत ही लंबे समय तक चलेगी। तो देख सकते हैं ये डायोड पूरी तरीके से यहाँ फिक्स है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, दीवार में या बोर्ड में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।